हेलो स्टूडेंट, ये क्लास डीआरटी फर्स्ट ईयर के लिए है, जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी फर्स्ट पोजिशनिंग। अपना टॉपिक चल रहा है स्कल रेडियोग्राफी, जिसमें अपन ने क्या स्कल के डिफरेंट डिफरेंट व्यूज पढ़े हैं, जिसमें अपना व्यू चल रहा था मैंडिबल बोन के लिए। एंड मैंडिबल बोन अपनी कौन सी होती है, तो फेशियल बोन के सबसे आगे की जो चिन वाली बोन होती है उसको अपने क्या बोलते हैं, मैंडिबल बोन। इसमें आगे के पार्ट को बॉडी बोलते हैं, जिसमें ये सिम्फाइसिस पार्ट होता है, और इस पार्ट को रेम्स बोलते हैं। ये कोंडाइल होता है और ये क्रोनोइड होता है, क्रोनोइड होता है। ये सारे अपने क्या है, मैंडिबल बोन्स की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। जो अपना लोअर जो होता है उसको ही अपने मैंडिबल बोलते हैं। इसके व्यूज थे लेटरल ओब्लिक व्यू, पीए व्यू और इन्फीरियो सुपीरियर व्यू। अपन ने क्या है, लेटरल ओब्लिक व्यू लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, आज अपने पढ़ेंगे पीए व्यू। अब स्टार्ट करते हैं पीए व्यू। पीए व्यू का इंडिकेशन क्या रहेगा, फॉर फ्रैक्चर एंड पैथोलॉजी कंडीशन। इस बोन में कोई भी फ्रैक्चर हो गया है या कोई भी पैथोलॉजी कंडीशन हो गई है उसको चेक करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है अपनी कैसेट साइज। कैसेट साइज जो कि स्कल के सभी व्यू में नॉर्मल कैसेट साइज रहता है 8, 10 और 10, 12 का। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है अपनी पोजिशन ऑफ पेशेंट। पेशेंट की पोजिशन क्या होगी, तो अपना व्यू कौन सा है, पीए व्यू। तो स्कल के नॉर्मल पीए व्यू में कैसेट की पोजिशन, सॉरी पेशेंट की पोजिशन होती है, वही पोजिशन इसमें रहेगी। पेशेंट प्रोन ऑन द एक्सरे टेबल इन ट्रू पीए पोजिशन। पेशेंट क्या है, एक्सरे टेबल पे प्रोन पोजिशन में लेटेगा, ठीक है, यही पोजिशन थी। देखो प्रोन में लेटने के बाद क्या होता है, पेशेंट मिडल सजाइटल प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द टेबल। पेशेंट का मिडल सजाइटल प्लेन टेबल के परपेंडिकुलर रहता है। पेशेंट ईयर पिना आर इक्वल डिस्टेंस टू द टेबल। पेशेंट की जो ईयर पिना है वो टेबल से अपने को इक्वल डिस्टेंस पे करनी है। पेशेंट इंट्रा ऑर्बिटल लाइन और इंट्रा प्यूपिलरी लाइन आर पैरेलल टू द टेबल। पेशेंट की इंट्रा ऑर्बिटल और इंट्रा प्यूपिलरी, इन दोनों ऑर्बिट्स को या दोनों प्यूपिल्स को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, इंट्रा ऑर्बिटल और इंट्रा प्यूपिलरी। ये लाइन टेबल से अपनी पैरेलल रहती है। नेक्स्ट है पेशेंट ऑर्बिटोमिटल लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेबल। जो पेशेंट की ऑर्बिटोमीटर लाइन है, ऑर्बिट से मीटर्स तक आने वाली लाइन, वो लाइन टेबल से क्या है, परपेंडिकुलर रहेगी। इमोबिलाइज द हेड बाय नॉन रेडियो ओपेक पैड्स एंड सैंड बैग। हैंड को इमोबिलाइज यानी स्थिर करने के लिए अपने क्या करते हैं, नॉन रेडियो ओपेक पैड्स या सैंड बैग का यूज लेते हैं। उसके बाद आती है अपनी पोजिशन ऑफ पेशेंट। पेशेंट की पोजिशन क्या रहेगी, कैसेट अपर बॉर्डर शुड बी 1 इंच अबाउट टू द वर्टेक्स ऑफ स्कल। कैसेट की अपर बॉर्डर कहाँ रहती है, स्कल के वर्टेक्स पार्ट से 1 इंच ऊपर, जो कि अपनी क्या है, सभी स्कल की व्यूज में सेम रहेगी। उसके बाद अपने आती है सेंटरिंग। सेंटरिंग इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो सेंट्रल रे ओवर द मिड लाइन बिटवीन एंगल्स ऑफ मैंडिबल एंड पासिंग थ्रू लिप्स। सेंट्रल रे क्या है अपनी, जो मिड लाइन है, कौन सी मिड लाइन, एंगल्स ऑफ मैंडिबल, जो दोनों मैंडिबल के एंगल्स है उनको मिलाने वाली लाइन के मिड लाइन यानी मिड पॉइंट पे सेंटरिंग करेंगे। और सेंटरिंग कहां से गुजरनी चाहिए, अपनी लिप्स से यानी दोनों होठों के बीच से। या अपने सेंटरिंग करते हैं एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटोब्रेंस एट राइट एंगल टू द फिल्म, यानी
एंड जो अपना एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटोब्रेंस है, पीछे जो ऑक्सीपिटल प्रोटोब्रेंस उभरा हुआ भाग है उस पे सेंटरिंग करते हैं, और ट्यूब में कोई भी एंगल नहीं रखेंगे। ये अपनी क्या थी, इसकी सेंटरिंग। तो मैंडिबल बोन देखने, तो सेंटरिंग कहां करेंगे, दोनों मैंडिबल एंगल के मिड लाइन पे, और जो अपनी सेंटरिंग है वो कहां से जाएगी, अपने लिप्स से। एंगल ऑफ मैंडिबल क्या होता है, देखो ये इसमें दिखा रखा है, तो ये रेड रेड है, ये अपना क्या है, एंगल बन रहा है, इसको ही अपने क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ मैंडिबल। इन दोनों एंगल ऑफ मैंडिबल के बीच से अपनी सेंटरिंग निकलेगी। देखो इसमें दिखा रखा है, पेशेंट प्रोन पोजिशन में लेटा हुआ है, इसके ईयर पिना इक्वल डिस्टेंस है, इसमें क्या है, अपने इरेक्ट में व्यू ले रहे हैं, जिसमें पेशेंट का मिडल सेजाइटल प्लेन टेबल से परपेंडिकुलर हो गया, इंट्रा ऑर्बिटल लाइन क्या है, टेबल के पैरेलल हो गई। अब इसमें सेंटरिंग देखो कहां की है, जो इसके दोनों मैंडिबल एंगल्स है, यहां मैंडिबल एंगल्स होंगे, तो इन दोनों एंगल्स को आपस में मिलाने वाली लाइन पे सेंटरिंग की है इस पार्ट में। तो सेंटरिंग इसके कहां से निकल रही है, देखो डायरेक्ट माउथ से, यानी लिप्स से, या जो नॉर्मल पीएव्यू की सेंटरिंग होती है ऑक्सीपिटल प्रोटोब्रेंस पे, या तो वो अपने कर सकते हैं। उसके बाद अपने बात करेंगे रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की, यानी अपने को इमेज लेने के बाद क्या क्या सीन होता है। द आउटलाइन ऑफ होल ऑफ मैंडिबल इज सीन, एंड जो मैंडिबल बोन की आउटलाइन है वो अपने को क्लियरली सीन होती है। द क्रोनोइड प्रोसेस आर सुपर इम्पोज ऑन द कोंडाइल्स प्रोसेस, जो कोंडोइल प्रोसेस होती है वो क्रोनोइड प्रोसेस से सुपर इम्पोज रहेगी। द सिम्फाइसिस मेंटी एंड एंटीरियर पोर्शन ऑफ बॉडी आर सुपर इम्पोज ऑन द सर्वाइकल स्पाइन। सिम्फाइसिस मेंटी कहाँ होता है, बिल्कुल चिन वाले पार्ट में, और बॉडी ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी, यानी जो अपने बॉडी का एंटीरियर पार्ट है, मैंडिबल बोन की जो बॉडी पार्ट होती है उसका एंटीरियर पार्ट, वो सुपर इम्पोज किसको करेंगे, सर्वाइकल स्पाइन को। ये अपना क्या है, इसका पीएव्यू होता है, जिसमें अपने एक्सपोजर यूज करते हैं 90 to 100 सेंटीमीटर, डिस्टेंस रहेगी, केवी रहेगा अपना 75 75, एमएस रखेंगे 60, और ग्रिड का यूज करेंगे। देखो आगे इसमें अपने क्या है, एक इमेज दिखा रखी है मैंडिबल के पीएव्यू की, जिसमें देखो ये क्या है, अपने को पूरी मैंडिबल होल मैंडिबल की पूरी आउटलाइन दिखाई दे रही है, और ये जो कोंडाइल्स और क्रोनोइड प्रोसेस होती है ये दोनों आपस में बराबर में होती है, तो ये क्या करेगी, एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेगी। और क्या बताया है, इसका जो सिम्फाइसिस पार्ट होता है, ये वाला पार्ट सिम्फाइसिस मेंटी, या ये बॉडी का एंटीरियर पार्ट, ये क्या कर रहा है, सर्वाइकल को सुपर इम्पोज कर रहा है। ये अपने क्या है, रेडियोलॉजिकल इमेज में अपने को दिखाई देता है, और ऐसी ही अपने को मैंडिबल पीएव्यू की इमेज सीन होती है। तो अपने इसमें क्या था, पीएव्यू में इंडिकेशन थी कोई भी फ्रैक्चर या पैथोलॉजी कंडीशन को देखने के लिए। और पेशेंट की पोजीशन इसमें क्या रहती है, अपने पेशेंट को इरेक्ट में या सुपाइन में कैसे भी व्यू ले सकते हैं, तो पेशेंट प्रोन ऑन द टेबल, यानी पेशेंट एक्स टेबल पे लेटा हुआ था या पीएव्यू में इरेक्ट में खड़ा था, उसके बाद क्या करेंगे, पेशेंट का मिडल सजाइटल प्लेन टेबल के परपेंडिकुलर रहना चाहिए, पेशेंट की ऑर्बिटोमीटर लाइन, ऑर्बिट से मिडटस तक आने वाली लाइन भी टेबल से परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है, और पेशेंट की इंट्रा ऑर्बिटल लाइन टेबल के पैरेलल रहती है, पेशेंट के दोनों ईयर पिन्ना टेबल से इक्वल डिस्टेंस पे रहते हैं, ये अपनी क्या है, पेशेंट की पोजीशन होती है। अगर पेशेंट क्या हेड को स्थिर नहीं रख पा रहा है, थोड़ा बहुत हिला रहा है, तो अपने क्या करेंगे, हेड को इमोबिलाइज करने के लिए नॉन रेडियोपेक पैड्स का यूज करते हैं, और जिसकी सेंटरिंग रहती है अपने एंगल ऑफ मैंडिबल, इस वाले पार्ट के दोनों एंगल ऑफ मैंडिबल को मिलाने वाली लाइन के मिड पॉइंट पे, यानी उसकी मिड लाइन पे सेंटरिंग करेंगे,
और जो सेंटिंग अपनी कहां से निकलती है, सेंटर रे लिप्स से। ये अपना पेशेंट की पोजिशन और सेंटरिंग हो गई। इसके बाद अपने को रेडियोलॉजिकल इमेज में क्या दिखाई दिया, होल बॉडी की आउटलाइंस और सिंफाइसिस मेंटी और बॉडी पार्ट क्या है, सर्वाइकल को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, रेम्स पार्ट दिखाई दे रहा है इसका, और कोंडाइल और क्रोनोइड प्रोसेस क्या एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रही है, जो अपने को क्या है मैंडिबल बोन देखनी है तो इस पर अपने फोकस करते हैं। वैसे अपने को फ्रंटल बोन सीन हो रही है, ऑर्बिटल सीन हो रहे हैं, नेजल सेप्टम सीन हो रहा है, मैक्सिला बोन भी थोड़ी थोड़ी सीन हो रही है। ये अपना क्या है, इसका पीए व्यू कंप्लीट होता है। नेक्स्ट व्यू है अपना मैंडिबल का इनफीरियो सुपीरियर व्यू। ये व्यू किस लिए होता है, फॉर सिंफाइसिस, सिंफाइसिस पार्ट को देखने के लिए। इस व्यू को अपने एक्सियल व्यू भी बोलते हैं। इसमें देखो अपना ये क्या है, मैंडिबल बोन है, सुपीरियर टू इन्फीरियर क्या होता है, सुपीरियर पार्ट से इन्फीरियर यानी बॉडी के अंदर के पार्ट की तरफ एक्सरेस आ रही है, और इन्फीरियर टू सुपीरियर, इन्फीरियर मतलब बॉडी के अंदर के वाले पार्ट से सुपीरियर ने सुपीरियर ऊपर के पार्ट में एक्सरेस जा रही है। तो ये हो गया अपना स्कल का। अपने को व्यू कौन सा करना है, ओनली मैंडिबल का व्यू। मैंडिबल का व्यू करना है तो अपने मैंडिबल बोन को देखते हैं। तो मैंडिबल बोन का सुपीरियर पार्ट हो गया अपना नोज टीथ, और इंफीरियर पार्ट कौन सा हो गया, चिन के नीचे का पार्ट। तो सुपीरियर टू इंफीरियर एक्सरेस कैसे आएगी, ऊपर से नीचे की तरफ। अब अपना व्यू कौन सा है, इंफीरियर सुपीरियर व्यू, यानी इंफीरियर पार्ट से सुपीरियर पार्ट में नोज की तरफ एक्सरेस आएगी। इंफीरियर टू सुपीरियर व्यू क्यों करते हैं, क्योंकि अपनी क्या है कैसेट माउथ के अंदर पकड़ी जाएगी और एक्सरेज चिन से नोज की तरफ यानी इन्फीरियर टू सुपीरियर जाती है। तो ये व्यू होता है अपना इन्फीरियर सुपीरियर व्यू। तो इसके इंडिकेशन की बात करें तो इंडिकेशन अपना क्या होगा, फ्रैक्चर एंड पैथोलॉजी कंडीशन। कोई भी सिंफाइसिस पार्ट में फ्रैक्चर हो गया या कोई भी पैथोलॉजी कंडीशन है उसके लिए अपने व्यू करते हैं। इसके कैसेट साइज की बात करें तो कैसेट साइज इसमें क्या रहता है, अपने इसमें एक ओक्लूजल फिल्म काम में लेते हैं, तो जो नॉर्मल ओक्लूजल फिल्म होती है वही काम में ली जाती है। तो इसमें अपने को क्या है, ओक्लूजल फिल्म को क्या करेंगे, अपने माउथ में पकड़ेंगे और एक्सपोज करेंगे, जो कि अब आगे अपने कंटिन्यू पढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं पोजिशन ऑफ पेशेंट की, पेशेंट की पोजिशन क्या रहेगी। तो पेशेंट सुपाइन ऑन द टेबल, पेशेंट क्या एक्सरे टेबल पे सुपाइन लेटेगा यानी सीधी पोजीशन में लेटेगा। चिन इज टिल्टेड स्लाइटली अपवर्ड्स, चिन को क्या है ऊपर की तरफ अपवर्ड यानी स्लाइटली अपवर्ड ऊपर की तरफ करेंगे। चिन को पहले पेशेंट को एपी पोजीशन में लेटा लिया, उसके बाद चिन को क्या करेंगे अपने ऊपर की तरफ करेंगे। पेशेंट ईयर पिना आर इक्वल डिस्टेंस टू द टेबल, पेशेंट की ईयर पिना क्या है टेबल से इक्वल डिस्टेंस में रहेगी। पेशेंट मिडल सजाइटल प्लेन परपेंडिकुलर टू द टेबल, पेशेंट का जो मिडल सजाइटल प्लेन है वो टेबल से परपेंडिकुलर रहता है। पेशेंट इंट्रा ऑर्बिटल लाइन और इंट्रा प्यूपिलरी लाइन आर पैरेलल टू द टेबल, पेशेंट की इंट्रा प्यूपिलरी और इंट्रा ऑर्बिटल लाइन टेबल से पैरेलल रहेगी, जो कि अपने नॉर्मल एपीव्यू में होता है। इमोबिलाइज द हेड बाई नॉन रेडियोपेक पैड्स एंड सैंड बैग, हेड को इमोबिलाइज करने के लिए क्या करते हैं अपने नॉन रेडियोपेक पैड्स या सैंड बैग का यूज करते हैं। इसमें जो अपनी एपी व्यू में पोजीशन रहती है वही पोजीशन रहती है, बट अपने एपी व्यू में क्या है चिन को हल्का सा चेस्ट की तरफ डाउनवर्ड्स करते हैं, और इसमें चिन को क्या है अपवर्ड करेंगे, क्योंकि अपने को क्या है मैंडिबल बोन का सिंफाइसिस मेंटी पार्ट देखना है, तो आगे वाला पार्ट देखने के लिए उस पार्ट को क्या है थोड़ा ऊपर की तरफ करेंगे। नेक्स्ट अपने बात करते हैं पोजिशन ऑफ कैसेट की, कैसेट की पोजिशन क्या रहेगी। तो ये इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसेट की पोजिशन देखो, एन ऑक्लूजल फिल्म इज प्लेस्ड इन द माउथ एट 2/3 पार्ट इन माउथ एंड 1/3 पार्ट
आउट द माउथ एंड माउथ जेंटली विद द फिल्म इन बिटवीन द टीथ। ये व्यू क्या है, अपने एक ओक्लूजल फिल्म पे लेते हैं। ओक्लूजल फिल्म मतलब अपनी छोटी फिल्म आती है। जिसमें क्या है, ओक्लूजल फिल्म रहेगी, अपने पेशेंट को टेबल पे लेटा देते हैं, उसके बाद पेशेंट के माउथ में अपने एक ओक्लूजल फिल्म पकड़वाते हैं। ओक्लूजल फिल्म देखो, फिल्म का 2/3 पार्ट माउथ के अंदर रहेगा और 1/3 पार्ट माउथ से बाहर रहेगा, और माउथ के बीच में पेशेंट को इस प्रकार से फिल्म पकड़वाएंगे कि वह यानी फिल्म उसके दोनों दांतों के बीच में आ जाएगी। यानी अपने एक ओक्लूजल फिल्म लेते हैं, उसका 2/3 पार्ट यानी लगभग 66% पार्ट, 60-70% पार्ट माउथ के अंदर, और 1/3 पार्ट यानी 30-40% पार्ट माउथ से बाहर रहेगा, और माउथ को अपने क्लोज करवाएंगे और दोनों दांतों के बीच में फिल्म को पकड़वा देंगे। ये अपने होगी इसमें पोजिशन ऑफ कैसेट, कैसेट की पोजिशन रहेगी। देखो इस डायग्राम में दिखाया गया है पेशेंट को क्या, सुपाइन लेटाने के बाद चिन को अपवार्ड कर दिया और फिल्म को क्या है इसके दांतों के बीच में पकड़वा दी, जिसका 2/3 पार्ट क्या है माउथ के अंदर है और 1/3 पार्ट माउथ से बाहर है, और दांतों के बीच में फिल्म पकड़ी हुई। ये कौन सा पार्ट है इसका, सिम्फाइसिस मेंटी पार्ट। इसका अपने को क्या है एक्सरे करना है, तो अपने क्या करेंगे सिम्फाइसिस मेंटी पे ही सेंटरिंग करेंगे, जो इसका मैंडिबल का एंटीरियर पार्ट है उस पे, और इमेज कहाँ आ जाएगी अपनी, जो माउथ के अंदर फिल्म पकड़ी हुई उस पे इमेज आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सेंटरिंग की, सेंटरिंग कहाँ करेंगे। सेंट्रल रे पासेज फ्रॉम बिलो द चिन अबाउट 1 inch एट राइट एंगल ऑन द राइट एंगल टू द फिल्म। सेंटरिंग कहाँ करेंगे, सेंट्रल रे अपने पास होगी, कहाँ से पास होनी चाहिए चिन से नीचे, बिलो द चिन यानी चिन से नीचे लगभग 1 inch, यानी चिन से 1 inch नीचे अपने सेंटरिंग करते हैं, और ट्यूब में कोई भी एंगल नहीं देंगे। फिर बात करते हैं इसके रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की, यानी रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस अपने को क्या दिखाई देगा। द सिम्फाइसिस मेंटी और पॉइंट ऑफ चिन एंड ग्रेटर पोर्शन ऑफ बॉडी ऑन बोथ साइड्स आर क्लियरली सीन। जो सिम्फाइसिस मेंटी है उसी को अपने क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ चिन। सिम्फाइसिस मेंटी या पॉइंट ऑफ चिन, जो दोनों एक ही चीज होती है वो, और ग्रेटर पोर्शन ऑफ बॉडी, और जो बॉडी का ग्रेटर पोर्शन होता है आगे का पार्ट होता है वो वाला पार्ट, यानी ऑन बोथ साइड आर द क्लियरली सीन, यानी उस पार्ट की दोनों साइड अपने को इमेज पे क्लियरली सीन होती है। ये इसका क्या है, रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस हो गया। एक बार इसको दोबारा देखो, रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में अपने को दिखाई देता है सिम्फाइसिस मेंटी यानी पॉइंट ऑफ चिन, जो आगे चिन का मेन पॉइंट होता है वो, और जो अपने बॉडी का पोर्शन होता है दोनों साइड की बॉडी का आगे का पोर्शन भी फिल्म पे अपने को सीन होता है। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं इसके एक्सपोजर की, एक्सपोजर क्या रहेगा। डिस्टेंस रहेगी इसमें 90-100 cm, केवी रहेगा अपना 60 amps रहेगा 20, और ग्रिड का यूज नहीं करेंगे इसमें, अपने अमेस भी कम रखते हैं क्योंकि अपना क्या है ओनली अपने को सिम्फाइसिस मेंटी का व्यू लेना है, जो चिन ओनली चिन का व्यू लेना है मैंडिबल बोन के एंटीरियर पार्ट का, तो अपने अमेस कम रखेंगे, अमेस कम और एक्सपोजर कम है तो अपने ग्रेड का यूज भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये कौन सी फिल्म, अपनी ओक्लूजल फिल्म है। इसके बाद देखो अपने को एक डायग्राम दिखा रखा है जिसमें क्या है, ये अपने को हल्के हल्के टीथ दिखाई दे रहे हैं ऊपर के पार्ट में, और इसके नीचे क्या ये सिम्फाइसिस मेंटी दिखाई दे रहा है, और इसके साइड का यानी बॉडी ऑफ मैंडिबल भी अपने को हल्की हल्की दोनों साइड दिखाई दे रही है। ये जो बीच का पोर्शन है इसी को अपने बोलते हैं सिम्फाइसिस मेंटी, जो दोनों टीथ के बीच में अपने क्लियरली सीन हो रहा है। ये हो गया अपना इसका इन्फीरियर सुपीरियर व्यू।
इसको एक बार दोबारा देखो, इंफीरियर सुपीरियर कैसे होता है, इसमें अपनी रेज क्या है, इंफीरियर यानी बॉडी के की तरफ से, सुपीरियर यानी सुपीरियर पार्ट में जाती है, यानी ऊपर से अगर एक्स रेज नीचे के पार्ट में आती तो सुपीरियर टू इंफीरियर, इसमें अपनी एक्स रेज क्या है, चिन से ऊपर की तरफ जा रही है, यानी इंफीरियर टू सुपीरियर। ये अपना इंफीरियर सुपीरियर भी होता है किस लिए, ओनली सिंफाइसिस पार्ट को देखने के लिए। इसमें पेशेंट एपी पोजिशन में लेटता है और चिन को अपवार्ड करता है, और पेशेंट की ईयर पिन्ना क्या है, टेबल से इक्वल डिस्टेंस रहेगी, ऑर्बिटोमेटल लाइन पेशेंट की परपेंडिकुलर रहेगी, मिडल सजाइटल प्लेन क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, और इंट्रा ऑर्बिटल लाइन क्या है, टेबल के पैरेलल रहेगी, और हेड को इमोबिलाइज करने के लिए क्या है, अपने सैंड बैग या नॉन रेडियो पैक पैड्स का यूज ले सकते हैं। उसके बाद बात करें अपने पोजिशन ऑफ कैसेट की, कैसेट की पोजिशन कहाँ रहती है, तो इसमें अपने क्या है, ओक्लूजल एक फिल्म लेते हैं, पूरी कैसेट नहीं लगाएंगे, ओनली ओक्लूजल फिल्म में व्यू लेंगे। उस ओक्लूजल फिल्म को फिल्म का 2/3 पार्ट माउथ के अंदर और 1/3 पार्ट माउथ से बाहर रखेंगे, और फिल्म को दांतों के बीच में पेशेंट को पकड़वा देंगे। उसके बाद एक्सपोज करते टाइम अपने सेंटरिंग करेंगे चिन से 1 इंच नीचे की तरफ, 1 इंच बिलो द चिन, और ट्यूब में कोई भी एंगल नहीं देंगे। ये अपनी इसकी सेंटरिंग हो गई, और इसके रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में अपने को दिखाई देगा, ये सिंफाइसिस मेंटी पार्ट है, ये क्लियरली सीन हो जाएगा, और दोनों साइड की हल्की हल्की मैंडिबल की बॉडी भी अपने को सीन होती है। ये अपने क्या है, मैंडिबल का पीए व्यू और इंफीरियर सुपीरियर व्यू कंप्लीट होता है। इससे पहले अपने ने पढ़ा था मैंडिबल का लेटरल ऑब्लिक व्यू, ये अपने मैंडिबल्स के व्यू कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में अपने आगे की स्टडी करेंगे। थैंक यू।